दतिया से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें कांग्रेस विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बरैया ने इसी बहाने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी घेरते हुए उन पर भी टिप्पणी कर डाली। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल भांडेर नगर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया। बरैया के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रशासनिक अधिकारियों को कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी नौकरी चाट जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे उस दिन तुम्हें समझ आएगी तुम सब लोग भाजपा के एजेंट हो। बरैया यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम लोग अगली बार हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे, हमारी मांगे मानी नहीं गई तो हम अधिकारियों के मुंह पर थूकेंगे। उन्होंने पुलिस वालों को लेकर भी विवादित बयान दिया और कहा कि जब पुलिस अधिकारी ज्वाइन करता है तो हाजिरी देने डबरा जाता है, कहते हैं कि दादा को खुश कर दूंगा, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ पहले से परदादा बैठा हुआ है। बरैया ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, उसके बाद भी वह प्रभावशील नेता के रूप में दतिया में शासन प्रशासन को चला रहे हैं। आज भी पूरे तामझाम के साथ काफिले के साथ सैकड़ों गाड़ियों के साथ पूरे जिले में घूमते हैं। एक भी बचने वाला नहीं है, मैं सबकी नौकरियां चाट करके आपके सामने दिखा दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। इनके बच्चे, अगर इनके बच्चे भूखो ना मर जाए तो फूल सिंह बरैया का नाम बताओ। हजारों लोग ले जाकर के कहूंगा इनके मुंह पर थूको, तो इनको पकड़ पकड़ करके हमारे लोग इनके मुंह पर थूके, उसके बाद तेरी ऐसी जैसी करने के लिए परदादा बैठा है फूल सिंह बरैया। समझा दो कलेक्टर एसपी को, समझा दो बिजली के अधिकारियों को, इरिगेशन वालों नहर वालों को, समझा दो इस तहसीलदार एसडीएम को, समझा दो तुम एक एक सिपाही को कि अगर तुमने हमारे जनता की तरफ, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ ही, अगर भाजपा का भी कोई आम आदमी उसकी भी फसल सूख रही है उसके लिए भी कह रहा हूं, भी अपनी नहीं जी पा रहा। अब आज हार भी गया वो आदमी, आज गृह मंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी श्रीमान आज भी कोई गाड़ियां कोई सायरन उतना ही ध्वज फाटा पूरी तरह से आता है और पूरे दिन निकल जाता है। अब यहां से निकल जाए तो 50 गाड़ियां साथ में होंगी और गृह मंत्री की आ रहा है, कोई कहेगा कौन गृह मंत्री, ये तो अभी वर्तमान के मंत्री है वो तो। और उन्होंने कलेक्टर एसपी ये सारे थाने सिपाही से लेकर के ऊपर तक सब उन्होंने अपने बिठा दिए, सब कैसे काम कराना है ये नहीं मान रहा है, थानेदार को भेज दिया जातू। वरैया के इस धमकी भरे बयान के बाद बीजेपी नेता भानु ठाकुर ने फूल सिंह वरैया के विवादित बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि फूल सिंह वरैया की पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर अब टिप्पणी उनकी ईर्ष्या और उनके विक्षिप्तपन को दर्शाती है। भानु ठाकुर ने कहा कि भले ही नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, उनका पद चला गया, लेकिन कद आज भी कायम है, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, दतिया और मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। फूल सिंह बरैया जी द्वारा जो भांडर में बैठक की गई थी उसमें मंत्री जी पर तामझाम लेकर दतिया में और प्रशासन दबाव में काम करने की बात सामने कह रहे हैं, क्या कहना इस पर? मंत्री आप कारण नरोत्तम मिश्रा पे कहना है आपको सीधी, मंत्री से समझ में नहीं आया कौन मंत्री? तुम बोलो बस अपना, बस काम खत्म। अरे यार हमारी बात थोड़ी सी है, तुम बोलोगे वही आ रहा है, ठीक है कर लो, अब बोलो ना, चालू करो, स्टार्ट करो। अभी दो दिन पूर्व जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ भांडेर में, उसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पूरे तामझाम लेकर झाका फाका के साथ मंत्री जी घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया जी को ईर्ष्या है नरोत्तम मिश्रा जी से, कहीं ना कहीं उनका विक्षिप्तपन है। मैं तो बरैया जी से ये कहूँगा कि नरोत्तम मिश्रा जी भले ही चुनाव हार गए,
जनता का आशीर्वाद दतिया की उनको नहीं मिल पाया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का पद जरूर चला गया, लेकिन उनका कद आज भी मध्य प्रदेश में कद्दावर नेताओं में रहे। और कहें फौज फाटे की बात, तो बरैया जी ने कहा कि फौज फाटा लेके घूम रहे हैं, तो मैं बरैया जी से कहूँगा कि लाखों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है नरोत्तम मिश्रा अकेला है, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उनके आज भी साथ हैं, आज चुनाव हारे कल जीतेंगे, ये ईर्ष्या उनकी विक्षिप्त रूप से उनकी दिखाई दे रही है, और दतिया में लोकप्रियता नरोत्तम मिश्रा जी की आज भी मध्य प्रदेश और दतिया में कायम है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।